Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing trigonometry and this is video lecture number 3. I hope you have already watched part 1 to part 2 before watching this part 3. This lecture mein hum baat karne wale hain quadrant system ki. Aur quadrant system mein kya hai, jara dekhiye. Jo quadrant hota hai, jaisa ki humne pichli class mein discuss kiya tha ki 4 quadrant hote hain. Aur in 4 quadrant mein हम ये कह सकते हैं कि इन 4 क्वाड्रेंट में से किसी एक क्वाड्रेंट की अलग हर एक 4 क्वाड्रेंट में हर एक किसी एक क्वाड्रेंट की अलग-अलग खूबियां हैं. क्या-क्या खूबी है ये देखिए. इसको याद करने के लिए कह सकते हैं ये जैसा कि हमने कहा है कि इनिशियल लाइन है. यहां से यहां तक के एंगल को पाई बाय 2 कहते हैं, 90 डिग्री. यहां तक आते-आते पाई होगा, यहां पे 3 पाई बाय 2 होगा और यहां पे पूरा एक सर्कल आने के बाद यहां तक क्या आ जाएगा, 2 पाई. सो इस 0 से पाई बाय 2 को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है ना, पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है. इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी हमने बात कर लिया है. और इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट. और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट. ये बात हमने पिछली क्लास में सीख लिया. आज इसमें खास क्या सीखना है कि ये जो है इसमें यहां पे है ऑल ऑल साइन टैन कॉस. इसका क्या मतलब है ऑल साइन टैन कॉस? इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव. In second quadrant, sine and its reciprocal, that is cosec, are positive. Tan and cot are positive in third quadrant, and cos and its reciprocal sec are positive in fourth quadrant. इसका मतलब है इसमें all 6 trigonometric ratios are positive. सारे के सारे trigonometric ratio इसमें positive होता है first quadrant में. उसकी value यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि अगर एंगल इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो वो पॉजिटिव होगा. एंगल इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में एंगल कौन सा लाई करेगा, 0 से पाई बाय 2 के बीच में कोई एंगल होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या 2 पाई से फिर पाई बाय 2 तक यानी 5 पाई बाय 2 तक होगा तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे. तो इसका अर्थ है कि इसमें साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी, सेक भी, टैन भी, कॉट भी, कोसेक भी, सब पॉजिटिव होंगे. तो साइन इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होगा और इस क्वाड्रेंट में भी साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे. मतलब दो क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा. इसी तरह से tan इसमें भी पॉजिटिव होगा और इसमें भी पॉजिटिव होगा. तो tan और cot भी दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होंगे. cos और sec फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होंगे. इसका मतलब यह है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और अगले दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. इनको छोड़ करके जैसे sin फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होगा. इसी तरह से tan फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होगा तो सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होगा. cos और sec की बात करें तो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होंगे तो सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होंगे. ऐसा क्यों होता है ये बात समझ सकते हैं हम कि जब एंगल मेजरमेंट करते हैं, जैसे ये एक सर्कल हम बनाएं और इस सर्कल के हिसाब से ये एक सर्कल है, इसमें अगर क्वाड्रेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए. इसमें हम क्वाड्रेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या हो, है ना. अब इसमें एंगल को मेजर करना हो अगर तो क्या होगा, ध्यान से देखिए.
यहां पे ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस के अलोंग मान लेते हैं। अगर हम ये कहें कि यहां पर कोई पॉइंट है पी, तो यहां से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वाई के अलोंग, ये कहलाएगा इस ट्रेंगल में, ये कहलाएगा एक्स एक्सिस, यानी ये कहलाएगा बेस, ये कहलाएगा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, और ये कहलाएगा हाइपोटेनस। राइट एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो इधर की ओर अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो यहां से ये कोऑर्डिनेट होगा एक्स और ये होगा वाई, यानी परपेंडिकुलर जो है वाई है और बेस जो है वो क्या है एक्स है। ये हाइपोटेनस एच मान लें, इस वाई को आप पी भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर बी एक्स कह सकते हैं। ये है एंगल थीटा, तो साइन थीटा के लिए ये दिस अपॉन दिस होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे एक्स की वैल्यू ले, चाहे वाई की वैल्यू ले, चाहे एच ले, सब क्या होगा एक्स वाई एंड एच ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है, ये सारे के सारे पॉजिटिव है। इसलिए साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, इसको हम पी बी एच भी कह सकते हैं, इसको वाई को। इसको वाई को और एक्स को सबको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो ये सारे पॉजिटिव है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा होता क्या है, इसमें पी के जगह पर क्या है एक्स है, बी के जगह पर क्या है वाई है, और हाइपोटेनस अपनी जगह पे है। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है, तो दोनों ही पॉजिटिव है। अगर कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा तो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। जब साइन थीटा ही पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी भी पॉजिटिव है एच भी पॉजिटिव है, इसलिए दोनों पॉजिटिव होंगे। और टेन थीटा क्या होता है, पी बाई पी होता है, तो पी भी और बी भी दोनों पॉजिटिव है, इसलिए भी पॉजिटिव होंगे और इनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होंगे। अब इसके विपरीत अगर हम ये मान लें कि पी पॉइंट यहां पर ना लाई करके यहां पर लाई कर रहा है कोई, पी पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है, पी डैश मान लेते हैं, एक दूसरा पॉइंट पी डैश लाई कर रहा है, और इसका कोऑर्डिनेट अब यहां पे क्या होगा, तो ये एच है, ये तो हाइपोटेनस एच ही रहेगा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट वाई के अलोंग है, तो इधर वाई पॉजिटिव होगा, और एक्स चूंकि इस डायरेक्शन में है, एक्स डैश इधर होता है, इधर में एक्स क्या होगा माइनस, तो यहां पे एक्स हो गया माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, अब जरा देखें, तो पी अगर इस क्वाड्रेंट में लाई करता है तो क्या होगा कि साइन थीटा अगर लिखेंगे तो साइन थीटा क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल लाई करे ये पूरा, तो थीटा क्या, अब इसको थीटा डैश लिख देता हूं, तो ये अगर साइन थीटा डैश लिखूं तो ये परपेंडिकुलर हुआ एंगल के सामने वाला, और ये हुआ कितना हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा पी बाई एच, दोनों पॉजिटिव है। पी यहां पर क्या है, यहां पर पी है वाई, बी क्या है माइनस एक्स, और एच तो है ही है, तो ये दोनों पॉजिटिव होने से साइन थीटा क्या होगा, इसमें ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव होगा। लेकिन कॉस थीटा की बात करें तो पी बाई बी होगा, और पी है यहाँ पे वाई और एक्स है माइनस, तो ये क्या होगा लेस देन जीरो। इसी तरह से टेन थीटा की बात करें तो पी बाई एक, ये बी बाई एच होता है, टेन थीटा दिमाग में आ गया था दरअसल, ये बी बाई एच होता है, थोड़ी गला खराब है, ये बी क्या है माइनस एक्स और एच क्या है ये, तब भी ये नेगेटिव हो रहा है, और ये पी बाई बी हो रहा है, तो पी क्या है वाई और ये क्या है बी माइनस एक्स, तो ये भी नेगेटिव हो रहा है, यानी साइन थीटा सिर्फ पॉजिटिव होगा, कॉस और टेन क्या होगा नेगेटिव, साइन पॉजिटिव होगा इसलिए कोसेक भी पॉजिटिव होगा, ये दोनों इसमें पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे। इसी तरह से बाकी क्वाड्रेंट में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अब हम यहाँ पे हैं कि पी पॉइंट यहाँ ना ला करके पी यहाँ पे लाई कर रहा है मान लीजिए, तो यहाँ पे अगर पी लाई कर रहा है, ये मान लें कि पी यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, पी डबल डैश यहाँ पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वाई भी निगेटिव हो जाएगा, एक्स भी निगेटिव हो जाएगा, तो टेन थीटा जब करेंगे तो ये माइनस वाई हो गया नीचे की ओर,
तो ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस तो वही रह गया, तो इसलिए टैन थीटा पी बाई बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसी के आधार पे ये डिसाइड किया गया है कि कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, क्यों होंगे, ये बात आपको इससे पता चल गया। जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, इन थर्ड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट टैन थीटा इज इक्वल टू, अगर निकालना है तो होगा पी बाई बी। पी क्या है इस एंगल के लिए, इस पूरे एंगल के लिए पी है -y और बी क्या है -x, यानी ये हो गया y बाई एक्स, दैट इज पॉजिटिव। तो टैन थीटा क्या आ गया, पॉजिटिव। इस तरह से कॉट थीटा भी उसका रेसिप्रोकल है तो पॉजिटिव होगा। अगर पी डैश इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो x पॉजिटिव होगा और y क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर पी डैश यहाँ पे, पी चार डैश यहाँ मान लें कि पॉइंट हो, तो यहाँ से आएगा, फिर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे वाई होगा वो माइनस होगा, जबकि एक्स क्या है, प्लस। तो इस स्थिति में कॉस जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और साइन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक क्वाड्रेंट में अपनी थ्योरी के हिसाब से एंगल का मेजरमेंट वही है, साइन कॉस टैन वही है, बट कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, कौन निगेटिव होगा और क्यों होगा, ये बात इस डायग्राम से आप समझ चुके होंगे। और हम इसको पॉजिटिव और निगेटिव इस तरह से कहेंगे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, सो साइन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, साइन चेंजेज ऑफ साइन, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये इस तरह का होगा। आप ये देख लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है। देखिए इसी बात को यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट और सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ये देखिए फर्स्ट और सेकेंड में साइन है पॉजिटिव, है ना, साइन थीटा फर्स्ट और सेकेंड में है पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव। इसी तरह से कॉस थीटा जो है वो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव है, सेकेंड और थर्ड में निगेटिव है। टैन थीटा फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव है, सेकेंड और फोर्थ में निगेटिव है, और उसके रेसिप्रोकल वालों का हाल भी वैसा ही है, जैसे साइन का है वैसा ही कोसेक का है, देखिए टैन का है वैसा ही कॉट का है बिल्कुल, और कॉस का है वैसा ही कोसेक का है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और अगले दो क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। इसका मतलब हम ये सिर्फ याद रखें, निगेटिव नहीं याद रखें, पॉजिटिव याद रखें कि साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, यही याद रखें। तो जब दो जगह पॉजिटिव है तो बाकी दो जगह निगेटिव होगा, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ऐसा लिख देते हैं, कॉस थीटा एंड टैन सेक थीटा आर पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड टैन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये बात दिमाग में रखना है, ठीक है। अब थोड़ा ये सीखना है हमें कि एंगल जो है वो कहाँ होगा, जरा सा कोई भी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये बात हमें कैसे पता चलेगा, ये ठीक है, ये बात समझते हैं, जरा ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। यहाँ पे इनिशियल लाइन है तो 0 डिग्री है, यहाँ पे पाई बाई टू है, यहाँ पर पाई है, यहाँ पे 3π/2 है। अगर डिग्री मेजर में लिखें तो इसको 90 डिग्री लिखेंगे, पाई का मतलब 180 डिग्री, 3π/2 का मतलब 270 डिग्री, और यहाँ 2π का मतलब 360 डिग्री भी लिखा जा सकता है, 0 या 360। अब जरा ध्यान समझिए, एंगल हमने कहा है कि इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो एंगल होता है पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन मेजर करते हैं तो एंगल होता है निगेटिव, है ना।
तो अगर हम यहां से यहां तक जाएं, ये पूरा एंगल, तो इसका मतलब हो गया कि 90 डिग्री जा रहे हैं यहां तक, 90 डिग्री। 90 माइनस थीटा कर रहे हैं मतलब 90 डिग्री से अभी कम है, तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? यहां पे लाई करेगा। 90 माइनस थीटा का मतलब यहां पर लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं होगा। 90 माइनस थीटा अगर कहें तो ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 90 प्लस थीटा कहें तो 90 से ज्यादा है तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 270 माइनस थीटा अगर कहें तो 270 से कम है, यहां से यहां तक आने पर 270 होगा, तो यहाँ 270 माइनस थीटा मतलब इधर लाई कर रहा है। 270 प्लस थीटा मतलब 270 से ज्यादा है तो एंगल जो है इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम कहें कि 90 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 270 प्लस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इस बात को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि 90 माइनस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ध्यान से समझ लीजिए इसको। 90 माइनस थीटा यहाँ है, उसी बात को लिख रहे हैं। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए, इसी बात को यहाँ भी लिखा है, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा? अब इससे जो फायदा होने वाला है वो ये है कि हम फंक्शन की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए, ये हमने लिया एक ट्रेंगल, ठीक है जी, और इस ट्रेंगल में ये ट्रेंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रेंगल है। इस एक्यूट एंगल को हम थीटा कहते हैं, ये 90 डिग्री है तो ये दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी कि तीनों एंगल का सम मिलके क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा है अपने पहले, तीनों मिलकर के 180 होता है, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। साइन कॉस टैन आपने 10th क्लास में जरूर याद किया होगा, लेकिन हम जरा आपको समझाते हैं कि क्या होता है। इस थीटा के लिए सामने वाला, इस साइड को हम कहेंगे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, ठीक है। राइट एंगल के सामने वाले को हमेशा ही हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और जो दूसरा बच गया उसको कहते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, ठीक है। ये बात आपको ये समझ में आ रही होगी, है ना, पहले भी पढ़ा होगा। पहले क्या कहते थे इसको, कि ये जो पर अपोजिट साइड है उसी को हम कहते थे परपेंडिकुलर, क्या कहते थे? परपेंडिकुलर। चलिए इसका शॉर्ट में नाम ये समझ लेते हैं कि इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो एडजेसेंट साइड है इसको हम कहते थे बेस, बी, परपेंडिकुलर पी, और हाइपोटेनस को कहते थे एच। एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा साइन थीटा, साइन थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। रेशियो क्यों है जी? क्योंकि दो एक जैसी चीजों का अनुपात है, सिमिलर चीजों का, इसलिए इसका नाम दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अपोजिट साइड और हाइपोटेनस के रेशियो का नाम दिया गया साइन थीटा, पूरा नाम ऐसे है साइन, SINE, साइन ऑफ थीटा, लेकिन प्यार से इसे सिर्फ SIN लिख देते हैं, साइन पूरा नहीं लिखते। तो आप ऐसा ही कर सकते हैं कि इसे सिर्फ साइन लिखें, ठीक है ना, SIN, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा आप याद रखें, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस यानी AB/BC। कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, दैट इज BC अपॉन हाइपोटेनस इज AC,
हाइपोटेनस इज ए सी, ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ए सी इज हाइपोटेनस है ना। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, इसका मतलब अपोजिट साइड सिंगल के लिए क्या है, ए बी बाई बी सी है ना। इसी तरह से अगर हम कहें एंगल 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखिए जरा, ये एंगल 90 माइनस थीटा अगर लिया जाए इस एंगल के लिए तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। साइन थीटा तो हो गया, अब कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इस एंगल के लिए सामने वाला अपोजिट साइड ये हुआ, और एडजेसेंट साइड क्या हो गया इसके लिए, एडजेसेंट साइड हो गया ए बी अपॉन ए सी, ये आ गया। जरा ध्यान से देखें, यहाँ ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा है, यहाँ पे इस एंगल के लिए ये अपोजिट साइड है, जबकि इस एंगल के लिए सामने अपोजिट साइड कौन है, ये है, तो अपोजिट साइड ये हो जाएगा इस एंगल के लिए, ठीक है ना। यानी अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल लिया गया है, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलेगा, लेकिन इस एंगल के लिए अपोजिट साइड ये होगा। तो अपोजिट साइड हो गया कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो गया अपोजिट साइड, और ये हो गया एडजेसेंट साइड, सो दैट विल बी एडजेसेंट साइड फॉर 90 माइनस थीटा। तो ये बदलता रहेगा, आपको ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि परपेंडिकुलर और बेस फिक्स्ड होते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपने एंगल कौन सा कंसीडर किया है। तो इस तरह से साइन 90 माइनस थीटा कॉस कॉस 90 माइनस थीटा ए बी बाई ए सी है, साइन थीटा भी ए बी बाई ए सी है, तो आप कह सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हो गया। इस तरह से ही और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ठीक है ना, टैन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, ये सब आपने पहले पढ़ा होगा, इस तरह का टैन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, है ना। तो इस तरह का आपने पहले याद किया है 10th क्लास में, लेकिन आपको ये शायद पता ना हो कि ऐसा होता क्यों है ना, ऐसा पता था, तो जरा और इसको आगे हम डील करते हैं कि कैसे हुआ, ठीक है। ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ये आपने पहले से सीखा है। अब आज हमें सीखना है कि साइन 90 प्लस थीटा होगा तो क्या होगा, 90 प्लस थीटा हो तो क्या होगा। तो 90 प्लस थीटा जरा ध्यान से देखें, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, अभी बताया था हमने ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन की वैल्यू कन्वर्ट होगा कॉस में लेकिन पॉजिटिव के साथ, साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा ये कितना होगा, तो ये होगा कॉस सेक कोसेक सब माइनस होता है, कोसेक प्लस होता है, बाकी साइन और कोसेक बाकी सारे माइनस होते हैं, टैन 90 प्लस थीटा ये क्या होगा, कॉट 90 प्लस थीटा ये क्या होगा, सेक 90 प्लस थीटा वो क्या होगा, और कोसेक 90 प्लस थीटा तब क्या होगा, तो कोसेक 90 प्लस थीटा, जैसा कि हमने कहा कि दो सिर्फ पॉजिटिव होंगे, एक साइन पॉजिटिव होगा एक कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे निगेटिव होंगे, क्योंकि 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जी, सेकंड में लाई कर रहा है, और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, तो कोसेक किसमें कन्वर्ट होता है, सेक में, इसलिए ये होगा कन्वर्ट होकर के सेक थीटा, ठीक है ना, सेक थीटा, और कैसा होगा, पॉजिटिव सेक थीटा, है ना। बाकी सारे के सारे कन्वर्ट तो होंगे, बट सब के साइन क्या होंगे, निगेटिव,
निगेटिव साइन होगी। कॉस किस में कन्वर्ट होता है? साइन में, तो माइनस साइन थीटा। टैन किस में कन्वर्ट होगा? कॉट में, तो माइनस कॉट थीटा। कॉट किस में कन्वर्ट होगा? टैन में, तो माइनस टैन थीटा। सेक किस में कन्वर्ट होगा? कोसेक में, तो माइनस कोसेक थीटा। आपको इस समझ में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन और कोसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे? बाकी सारे निगेटिव होंगे, है ना। ये है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल साइन टैन कॉस, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जाते हैं ना स्कूल के बाद कॉलेज में, इसलिए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा लाई करेगा, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा। 270 माइनस थीटा लाई करेगा थर्ड में, 270 प्लस थीटा लाई करेगा फोर्थ में, और यहाँ 90 माइनस थीटा लाई करेगा फर्स्ट में। तो अगर 270 माइनस थीटा एंगल हो जाए तो कौन कौन पॉजिटिव होगा? टैन, और इसका पार्टनर कौन है? कॉट। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। इसका मतलब है कि अगर हम यही बात फिर से टैन के लिए लिखूं कि टैन 270 माइनस थीटा, तो ये होगा पॉजिटिव कॉट थीटा। कॉट 270 माइनस थीटा, तो ये होगा पॉजिटिव टैन थीटा, बाकी सारे एंगल निगेटिव होंगे। जैसे साइन 270 माइनस थीटा, साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में, तो माइनस कॉस थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? साइन में, माइनस साइन थीटा। सेक 270 माइनस थीटा, किस में कन्वर्ट होगा? माइनस कोसेक थीटा में। कोसेक 270 माइनस थीटा, किस में कन्वर्ट होगा? ये सेक में, लेकिन माइनस साइन के साथ, ठीक है। ये बात हो गई। अगर हम इसे फिर इस तरह से कहें कि 270 प्लस थीटा हमारा एंगल हो जाए कि साइन, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। तो 270 प्लस थीटा, ये होगा कॉस, कॉस किस में कन्वर्ट होता है जी? साइन में, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा प्लस में। और सेक भी 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा, और सेक किस में कन्वर्ट होता है? कोसेक में, तो कोसेक थीटा, है ना, इस तरह से। लेकिन बाकी सारे निगेटिव होंगे, कॉस और सेक को। साइन 270 प्लस थीटा, साइन किस में कन्वर्ट होता है? कॉस में, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ध्यान रहे, एंगल जिसके साथ है उसी का साइन चलेगा, ये नहीं कि इधर कॉस आ रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो इसको पॉजिटिव लिख दो, ठीक है ना, ध्यान रहे इस बात का। तो साइन ये हो गया, टैन 270 प्लस थीटा, तो क्या होगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये कन्वर्ट होता है कॉट में, तो कॉट थीटा। एंड कॉट 270 प्लस थीटा, तो ये होगा माइनस टैन थीटा, ठीक है ना। कोसेक 270 प्लस थीटा, तो ये किस में होगा? ये होगा माइनस सेक थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए। 90 के 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 90 का 3 टाइम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ऑड मल्टीपल ऑफ एंगल हो तो फंक्शन कन्वर्ट होगा, और जब इवन मल्टीपल हो तो फंक्शन कन्वर्ट नहीं होगा। 90 माइनस थीटा ये हमने करके दिखा दिया। 180, ध्यान रहे कि ऑड मल्टीपल हो तो फंक्शन कन्वर्ट होगा, और 180 माइनस थीटा हो तो फंक्शन कन्वर्ट नहीं होगा। अब 180 माइनस थीटा कहाँ लाई करेगा, जरा देखते हैं, एक डायग्राम और बनाते हैं, और उससे हमें पता चल जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं और कैसे बदलेगा और क्यों नहीं बदलेगा, ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये हमने ले लिया कोई, ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा, यहां पे थीटा
थीटा मान लीजिए, ये मान लेते हैं कि ये है थीटा, है ना। तो ये हो गया वाई और ये हो गया एक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे इतना ही एक सिमेट्रिकल एंगल बनाया जाए जो इसी डिस्टेंस पे हो, तो ये होगा वाई और ये होगा माइनस एक्स, है ना। तो ये एंगल थीटा है, तो यहां से चूंकि सिमेट्री है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसको हम कहेंगे ये पूरा एंगल जो होगा यहां से यहां तक वो कितना होगा। ये एंगल होगा पूरा पूरा यहां से यहां तक 180 माइनस थीटा। ध्यान से देखें, ये पूरा जो एंगल होगा चूंकि ये थीटा है तो ये होगा 180 माइनस थीटा। अब साइन थीटा यहाँ पे इस एंगल में लें, अगर पी क्यू क्यू और ये ओ है, ये ओ पी क्यू में और ओ पी डैश क्यू डैश में, ठीक है। तो इन ट्रेंगल ओ पी क्यू, ध्यान से समझे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाई अपॉन ये हाइपोटेनस, है ना। वाई अपॉन हाइपोटेनस कितना, ओपी, इसको रेडियस को आर मान लेते हैं, तो यहां भी आर होगा, वाई अपॉन आर। फिर साइन 180 माइनस थीटा अगर एंगल लेते हैं इस एंगल के लिए, तब क्या होगा, तब ये होगा वाई अपॉन ये डिस्टेंस कितना है, माइनस आर, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी ये वाई अपॉन आर, तो 180 माइनस थीटा के लिए भी वाई अपॉन आर, दोनों ही बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, फंक्शन बदलेगा नहीं, ठीक है। कॉस के लिए अगर कहें तो ये देखिए क्या हो रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज एक्स अपॉन आर, है ना। और यहां पे ये 180 माइनस थीटा लेंगे तो बेस ये होगा, तो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये होगा माइनस एक्स अपॉन आर, ये हो गया माइनस एक्स अपॉन आर के बदले कॉस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल लाई कर रहा है तो साइन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए कॉस क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब यहां पर भी क्वाड्रेंट की बात है कि फंक्शन बदलेगा नहीं। एक चीज तो तय है कि 180 माइनस थीटा है जब एंगल है तो यानी 90 का इवन मल्टीपल है, तो साइन का ये साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, फंक्शन बदलेगा नहीं, फंक्शन बदलेगा नहीं। तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। और 180 प्लस थीटा होता तो कहाँ लाई करता, इसमें लाई करता 180 प्लस थीटा। और इसी तरह से 270 माइनस 360 माइनस थीटा हो तो किसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा। 360 प्लस थीटा हो तो किसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा। अर्थात हम इन चीजों को फिर से एक बार लिखें कि साइन 180 माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉस 180 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, टेन 180 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, है ना, कॉट 180 माइनस थीटा होगा तो क्या होगा, एटसेट्रा। इस तरह से साइन 180 थीटा क्या होगा, साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, टेन भी क्या होगा, फंक्शन नहीं बदलेगा बट निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, कॉट भी निगेटिव होगा, फंक्शन नहीं बदलेगा, इसी तरह से एटसेट्रा। इसी तरह से अगर हम कहें कि साइन 180 प्लस थीटा, तब ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, माइनस, टैन 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में टैन का है तो ये होगा प्लस टैन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा तो ये क्या होगा, ये होगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, कॉट 180 प्लस थीटा ये क्या होगा, ये होगा प्लस कॉट थीटा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इस तरीके से हम इनको आगे भी कर सकते हैं 180। इसका मतलब हुआ कि कुल मिला करके आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 90 का ऑड मल्टीपल हो तो फंक्शन भी बदलता है और साइन भी बदलता है,
90 का ऑड मल्टीपल यानी 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 93 या 270, तो 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 95 या 450, 450 प्लस थीटा प्लस 450 माइनस थीटा, तब भी फंक्शन और साइन दोनों ही बदलेंगे। फंक्शन तो बदलेगा ही बदलेगा, साइन डिपेंड करेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से साइन भी बदलेगा। इसी तरह से अगर 90 का इवन मल्टीपल हो, जैसे 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360, 94 जा 360, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, तो सिर्फ फंक्शन बदलेगा, फंक्शन नहीं बदलेगा। 90 का इवन मल्टीपल होगा तो फंक्शन नहीं बदलेगा, सिर्फ ध्यान किसका रखना है, साइन का, साइन की कौन से क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू भी बदलेगी, ठीक है ना। साइन बदलेगा, सिर्फ फंक्शन तो सेम ही रहेगा, सिर्फ साइन बदलेगा। मतलब आपको ये याद रखना है कि 90 का ऑड मल्टीपल हो तो फंक्शन और साइन दोनों चेंज होने हैं, ध्यान रखना है, और 90 का इवन मल्टीपल हो तो फंक्शन नहीं बदलेगा, सिर्फ साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात याद रहेगा, रहेगा ना, ठीक है। अब इतना याद कर लीजिए, फिर अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, फिर और भी बातें होंगी ब्रेक के बाद, ठीक है। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस।